बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई फॉर्मली वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ लिंकर ग्रुप फॉर प्रोग्राम ऑन प्रोफेशनल वैल्यूज विद इन्वर्टेड कॉमास नोइंग आवरसेल्फ। मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं कहीं खड़ा हूं तो मैं कुछ बता रहा हूं, मैं अगर कहीं खड़ा हूं तो मैं लोगों से सीखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लोग ही एक दूसरे को हेल्प करके आगे की तरफ ले जाते हैं। मैं जिंदगी में दो बड़ी अहम चीजें, नंबर वन जो मेरी कामयाबी का राज है, नंबर वन इज ड्रीम जरूर देखें। ख्वाब अगर आपने नहीं देखा तो ताबीर कहां से मिलेगी आप। नंबर टू, अपनी जिंदगी में एक मेंटोर जरूर रखें, ढूंढे, अगर कोई मिल जाए तो वो आपको कहीं से कहीं ले जाता है। मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखता हूं, हैदराबाद से मैं जिस मोहल्ले में पैदा हुआ मेरे चारों तरफ गोश्त काटने वाले लोग रहते थे। मेरे वालिद सिक्कू है ओके। मेरे वालिद सिर्फ एक नसीहत करते थे, अल्लाह ताला उनके जवाहर रहमत में जगह थे, लास्ट में उनका इंतकाल हुआ, वो मुझे कहते थे कि बेटा 16 क्लास जरूर पढ़िएगा। शायद उनके वालदैन बचपन में वफात पा गए थे तो वो नहीं पढ़ सके, तो मैं उनकी 16 क्लास का ख्वाब लेके चला और अल्लाह का शुक्र है मैंने मास्टर्स किया बाय केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास फर्स्ट सिंध यूनिवर्सिटी से। वहां से जब निकला तो मैं कभी हैदराबाद वापस अपने शहर में कभी भी पोस्टिंग नहीं हुई मेरी, मैं इस्लामाबाद रहा, मैं लाहौर रहा, कराची रहा। खाब की बात बताता हूं, मैं फादर 1980 में इराक डेपुटेशन पे गए तो वापस जब आ रहे थे तो उन्होंने खत लिखा बच्चों को कि भाई क्या चीज चाहिए आपको। तो उस वक्त अगर मैं किसी से इंप्रेस होता था कि पुलिस और आर्मी के पास जो जीप्स होती थी ना ग्रीन कलर की या ब्लैक कलर की, तो मैंने अब्बा को लिखा कि मुझे जीप चाहिए। अब्बा आ गए, अब्बा घर के अंदर, मैं घर के बाहर, और मैं बाहर देख रहा हूं कि जीप किधर है। आप ये सोचें कि मैं उस वक्त शायद बीएससी में पढ़ रहा था, लेकिन आपका विजडम जितने आप कुएं में रहेंगे आपका विजडम उतना ही होगा, आप टटर करते रहेंगे जिंदगी भर अंटिल अनलेस कि आप कुएं से बाहर ना आ गए। तो वापस आया तो मैंने कहा अपना जीप का है, उन्होंने बड़े एक उनके मैं उस केरब को इम्प्रेशन को नहीं भूलता, उन्होंने एक अटैची केस खोला उसमें से एक रिमोट वाली जीप निकाल के दी। ये जिंदगी की हकीकत बताई की तरह तो कहने लगे बेटा मैं यही कर सकता था। बात आई गई हो गई, मैं पास कर गया, कोशिश की कि गवर्नमेंट में जॉब मिले या अच्छी जॉब मिले, कोई 300 रुपए देता था, कोई 800 रुपए, कोई 600 रुपए। किसी ने कहा कि ये जो एक बैग उठाता है दवा वाला ये एक अच्छी जॉब होती है, ये कर ले आप। मैंने भी अप्लाई किया और मुझे एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी अब जॉन फार्मेसिया में एज ए सेल्समैन मेडिकल मैन जॉब मिली। जब सारा इंटरव्यू वगैरह हो गया तो उन्होंने कहा आप हैदराबाद जाइएगा, एक सीनियर आदमी से मिलिएगा। वहां जब गया तो उसने मुझे ब्रीफिंग दी कि दादू ये आप देखेंगे, और उसके बाद बराबर के एक घर में गया और एक न्यू ब्रांड SJ410 जी पीले रंग की बॉडी थी, 84-83 में आई थी, वो उसने निकाल के मैं जब घर आया तो मैंने घर की बाउंड्री में खड़ी की, मैं एक मिनट दूंगा आपका लेकिन ये जिंदगी की हकीकतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब्बा आए जब ऑफिस से तो उन्होंने कहा बेटा चीफ किसकी है, पहला सवाल ये पहले वालदेन का सवाल होता था कि कोई चीफ देखे। मैंने कहा अब्बा ये एक दोस्त की है, यानी आई वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस माई इमोशंस टू माई फादर। बात आई गई होगी रात जब वो सोने लगे तो वो मच्छरदानी लगाते और शहर में बड़ी हवाएं चलती थी हैदराबाद में सोते थे, वो लेटे और उठे कहने के बेटा दोस्तों की चीजें घर में नहीं रखती। ये वालदैन थे, क्या
तो मैंने अपने आप को बहुत ही कंपोज किया और मैंने कहा अब्बा जिस कंपनी में मेरी जॉब हुई है उस कंपनी ने मुझे ये जीत दी है, मैं उन आंसुओं को नहीं भूल सकता जो उनकी आंख से उस वक्त गिरे और लिखते रहे उनके काफी देर तक। कहले बेटा मैं तो एक खिलौने वाली चीप आपको ला के दे सकता था लेकिन आपने 16 क्लास पढ़ी, मेहनत की, अल्लाह ताला ने आपका ये ख्वाब पूरा किया। ये मेरी जिंदगी है, मैं डाउन टू अर्थ रहता हूं। दूसरी बात बता दूंगा, मैं आपका थोड़ा सा टाइम तो ले रहा हूं लेकिन जब तक आप किसी की जिंदगी को नहीं सुनते तो ये स्लाइड तो आप गूगल भी करके देख सकते। एक दिन वक्त गुजरता गया और मैं डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स बन गया एक जर्मन फर्म का, सेल्स मार्केटिंग ट्रेनिंग होता। एक दिन कराची यूनिवर्सिटी में गया, होंडा से एक गाड़ी सूटेड बूटेड, तो मैंने आईबीए की ये बिल्डिंग देखी 2012 की बात है, कराची यूनिवर्सिटी में जो बनती है। मैंने गाड़ी ली और जाके गेट पे रोकी, एक आदमी आया कि मैं किससे मिल रहा है, मुझे सिर्फ वो बिल्डिंग अंदर से देखनी। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा रजिस्ट्रार से मिल रहा है। उसने एक डायरी देखी, कहने लगा सर ना आपकी गाड़ी का नंबर है इसमें, ना ही आपका नाम है, गाड़ी साइड पे करें पीछे गाड़ी आई। वो जुमला मैं आज तक नहीं बोला, गाड़ी साइड पे करें पीछे। सर मैं वहां से जिस काम से गया था वो काम तो भूल गया, वहां से वापस आके फोरम पे मेरा ऑफिस था वहां तक आ गया और ये सोचता रहा कि इस हाईवे में कैसे जाऊंगा। 2014 में आई लेफ्ट जॉब, देयर वाज अ डाउनसाइजिंग और एक दिन किसी ने मुझे बताया कि आईबीए में वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम हो रहा है यूनिवर्सिटीज का कैपेसिटी बिल्डिंग, एचआर भी है उसमें, एंड आई अप्लाई एंड आई वाज सिलेक्टेड। उन्होंने मुझे एक स्टिकर दिया, एक रिबन के साथ मेरा कार्ड बना एज ए विजिटिंग फैकल्टी एंड ट्रेनर और उसी बिल्डिंग में यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर होते हैं उनका एक प्रोग्राम था 4 दिन का। आज भी अल्लाह का शुक्र है मेरा ख्याल 60-70 प्रोग्राम तो मैं कर चुका हूँ आईजी में, कई स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने जो बात शुरू में की आपसे खासतौर पर बच्चों के लिए कि जिंदगी में एक ड्रीम जरूर देखें और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करें, जिंदगी कहीं भी खत्म नहीं होती, चाहे आप 70 साल के हों या 65 साल के हों या 50 साल के। आप आगे के लिए सोचिए कि आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये तो था बात। अब मैं आपसे एक बात करता हूं कि जी ये कुरान में भी जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानते आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो चीजें पिन्हा है आपके अंदर वो पिन्हा है। जब दुनिया बन रही थी तो फरिश्तों से कहीं अल्लाह ताला ने पूछा कि जो राज है ये कहां दूं, बात होती थी आई कि इंसान में पिन्हा कर दो, क्योंकि इंसान कभी की कोशिश ही नहीं करेगा कि वो अपने आप को पहचाने। वो दुनिया के कामों में इतना मसरूफ हो जाएगा कि वो 9 से 5 जिंदगी गुजारता रहेगा और जिंदगी गुजर जाएगी, यहां से एक ट्रेन से बैठेगा और पिशावर में उसको उतार दिया जाएगा, चाहे वो 2 आदमी उतारे या 4 आदमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें वो तमाम सलाहियतें दी हैं जो बिना है हमारे अंदर, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की बात। सर प्लीज गिल साहब को मैंने कहा कि मैं खुद ही बता दूंगा तो ज्यादा बेहतर है। आई एम फ्रॉम हैदराबाद, करंटली आई एम ए कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ट्रेनर फॉर आईबीए सेक्टर, फैकल्टी ट्रेनर हूँ, पीएचडी के साथ हूँ मैं और एसएफजीसी का मैनेजमेंट ट्रेनर हूँ। मैं आईबीए के साथ मुख्तलिफ गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट के और फार्मास्यूटिकल के प्रोग्राम करता हूँ। मैं डाई यूनिवर्सिटी में भी फैकल्टी के तौर पर, विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर, जो उसका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है उसमें अक्सर जाता हूँ। मेरी जो मदर कंपनी थी दैट वॉज अफजान फार्मेसी, आई स्टैंड अबाउट 11 years फ्रॉम अ सेल्समैन टू हेड ऑफ ट्रेनिंग फॉर पाकिस्तान बांग्लादेश।
उसके बाद कुछ कंपनीज में और काम किया और हर कंपनी में कोई डिफरेंट पोजीशंस के साथ हमेशा मैं सीखता और आज अल्लाह का शुक्र है कि आई हैव यू नो अ नेम इन द इंडस्ट्री। मेरी जिंदगी में जो दूसरी कामयाब चीज है वो वर्क फैमिली बैलेंस है। मेरी कोई शाम ऐसी नहीं है अपने शहर में जहां स्टेशन पे गए गया कि मैं अपनी वाइफ के साथ 5 मिनट के लिए बाहर ना जाऊं। ये शायद बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह से देखते हैं। कोविड में अपनी बीवी के साथ निकल रहा हूँ मास्क लगा के। तो मैं ये रियलाइज करता हूँ कि जैसे हम बाहर स्ट्रेस लेते हैं उसी तरह एक औरत जो घटी होती है उसके भी स्ट्रेस रिलीज होती है। आप अगर 10 मिनट 5 मिनट बाहर निकलते हैं तो आप किसी न किसी हद तक उसको रिलैक्स करते हैं। सो आई हैव वर्क फैमिली बैलेंस। आई हैव 3 sons who are taller than me and 2 daughters। माशाल्लाह एवरीबडी थ्रू विद स्टडीज। बेटियों की शादी हो गई और दोनों तीनों बेटे अपनी अपनी जॉब्स में माशाल्लाह। यस प्लीज। ऑब्जेक्टिव ये था मेरा कि मैं बात करूं कि ये लर्निंग साइकिल एक्चुअली होती क्या है और हमारे जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें किस तरह से हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहां पर हैं और आगे कैसे जाना है। वैल्यूज एंड बिलीफ इन लाइफ नोइंग वन सेल्फ। इसी बात मैं कहूंगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट एट वर्क प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी को। यस प्लीज। जो समझने की बात है शायद हम बहुत से प्रोग्राम्स में बैठते हैं बहुत से अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं और कहते हैं जब ट्रेनिंग करके आ गए ट्रेनिंग सीख सीख। मैंने सोचा कि मैं ये जरूर बात करूं कि कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली ट्रेनिंग का। देखिए किसी न किसी स्किल्स को या बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिस वक्त आप किसी सेशन में बैठे होते हैं आप बड़े मोटिवेट होते हैं ओ ये करूंगा कल तो ऐसा होगा उससे मिलूंगा तो ऐसे करूंगा उससे कम्युनिकेशन ऐसे होगी। ये उस वक्त हो सकता है बिहेवियर चेंज जब आप फॉलो अप करें उसको आप उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर हमने अप्लाई नहीं किया ऐसे तो नहीं हो सकता। यस प्लीज। दूसरी चीज अगर आप फॉलो अप नहीं करते तो क्या होता है कि थोड़ी देर की मोटिवेशन तो होती है लेकिन उसके बाद वापस आप ही आते आपका बिहेवियर चेंज नहीं होता। लोग कहते हैं ट्रेनिंग की बड़ी तारीफें हैं बड़ी बड़ी बुक्स लिखी है ट्रेनिंग क्या है क्या नहीं। मेरे नजदीक ट्रेनिंग इज ए चेंज इन बिहेवियर। अगर कुछ सीख के अंडरस्टैंड करके आपने अपने रवैये में तब्दीली लिया है तो इससे बड़ी चीज कोई नहीं है उसी को ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को हाथ हिलाना सिखाती है जब खाने पे बैठता है अगर एक दिन बोला दो दिन बोला और उसको ले जाके हाथ नहीं धुलवाया तो वो उसके रवैये में चेंज कभी नहीं आएगी। याद रखिए कि ये जो प्रोफेशन है ये घर से बहुत करीब है ये सोसाइटी से बहुत करीब है। अगर सीखना है तो कभी ऑफिस में नहीं सीखेंगे आप अपनी सोसाइटी में सीखेंगे आप अपने घर पे सीखेंगे। ये मेरा अपना बिलीफ भी है और आप शायद यस प्लीज। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेज। हम आप जितने माशाल्लाह लोग बैठे हुए एवरीबडी नोज के थी हमारा फर्स्ट स्टेज अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो क्या है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। एक बच्चा पैदा होता है उसको पता ही नहीं होता कि उसको इधर मुड़ना है इधर मुड़ना है आंख खोलनी है हाथ हिलाना है आप जैसे करते हैं। इंडिविजुअल नाइदर अंडरस्टैंड नॉर नोज हाउ टू डू समथिंग। ये उसी तरह से कि हमें से बहुत से यंगस्टर भी बैठे हैं आप भी बैठे हैं जब नई नई बाइक सामने नजर आई आपको तो आप सिर्फ ये देखते थे कि चलती है किसी मैकेनिज्म पे लेकिन शायद जिस दिन चलाई हो तो उस दिन झटका लगा हो गिरे भी हो बहुत से लोग। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। यस प्लीज। सेकेंड स्टेज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यहां पे पर्सन डज रिकॉग्नाइज द शॉर्टफॉल। उसको समझ में आता है बच्चे को कि रोऊंगा तो अम्मा दूध देगी। ये स्कूटर चलाने के लिए आपको गियर लगाना भी जरूरी है इग्निशन भी लगाना जरूरी है लेकिन रोडों पे आप कैसे चलेंगे दैट रिक्वायर हेल ऑफ प्रैक्टिस। थर्ड प्लीज।
कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ये वो स्टेज होता है जब पक्का लाइसेंस मिल जाए, आप रोड पे चलना शुरू हो जाए। पहले छोटे रोडों पे चलते हैं, फिर बड़े रोडों पे, और आपको दूर से नजर आता है कि जनाब ये सिग्नल आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा इंतजार करने, कॉन्शियसली सोचता है। इसी तरह ये बच्चा खुद खड़ा होना सीख लेता है, इसको पता होता है कहाँ खड़े होना है, कहाँ चलना है, दीवार पकड़ के चलना है, क्या करना है। तो जिंदगी में इस तरह होता है। थर्ड स्टेज है ये, द फोर्थ प्लीज, इंडिविजुअल हैड सो मच प्रैक्टिस विद स्किल्स दैट इट बिकम्स सेकंड नेचर। आप जितने लोग बैठे हैं बताइए मुझे, जब ऑफिस से निकलते हैं गाड़ी के अंदर, क्या सोच के निकलते हैं कि इस रास्ते से जाऊंगा या गाड़ी खुद ब खुद जाती है? खुद ब खुद जाती है, जनरली खुद ब खुद जाती है। ये वो स्टेज है, ये एक्सीलेंस का स्टेज है, जहां आपके जहन में काम आया और आपने खुद ब खुद आपकी उंगलियां चलना शुरू हो गई, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। ये 1 2 3 वो बच्चा जो कि बैटरी वाली गाड़ी लेके खुद ब खुद ट्रैक के ऊपर चल रहा होता है, ये वो चौथा स्टेज है। सवाल ये पैदा होता है कि ये चारों स्टेजेस क्या हमारी जिंदगी में नहीं है? कहां हो सकते हैं आपके ख्याल? आप एक पोजीशन पे आए, ड्राइविंग आपकी बेस्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होती, आप उस पर कॉशन होते हैं, कॉशियसली आप गियर लगाते हैं एवरीथिंग, यू गेट प्रैक्टिस, आपकी चीजें खुद खुद चलना शुरू होता और ना कम टू दी नेक्स्ट थिंग, आपकी लाइफ के अंदर प्रोफेशन में आ रही, आप नई नई जॉब करते हैं तो क्या पहले दिन जाके आप सारे, आपको पता होता है कहाँ फाइल रखी है, किधर रखी है, आप इधर भी देख रहे होते हैं, आप उधर भी देख रहे होते हैं कि आप पूछू उससे पूछू नहीं, ये दरवाजा खोलू नहीं खोलू, ये अलमारी खोलू ना खोलू, दैट इज योर फर्स्ट स्टेज। और एक दो दिन के बाद ओरिएंटेशन के बाद आप आदि हो जाते हैं, या तो ये पता होता है कि मेरे रिलेशन से जो बुक्स हैं वो कौन सी है, सेकेंड स्टेज। फिर ये होता है अंदर से अफसर की आवाज आती है, मियां ये काम कर लीजिए, आप फिर करके ले जाके चेक स्लिप कराते, एंड देन एक वक्त वो आता है कि यार वो आदमी है उससे ये काम कराइएगा और उससे ये काम कराइएगा, दैट इज द फोर्थ स्टेज। क्या आपके ख्याल में, एक सवाल है आपसे, कि आप चौथे स्टेज पे आ गए, कैसा हो सकता है कि आप वापस थर्ड पे कहीं आ जाए या सेकंड में आ जाए? होता है, होता कहां होगा, मसलन कोई कैन एनीबडी के बिना कोई चीज लर्न करते हैं तो वो स्टेज बन के आने। एक्सीलेंट, आपके क्या ख्याल है? जब आप दूसरे एनवायरमेंट में दूसरी कंपनी स्विच करते हैं तो फिर वो स्टेज पे आते हैं। एक्सीलेंट, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम इगोइस्टिक नहीं होने चाहिए कि ये टाइटल लग गया मुझे, अब मैं बस साम देख के एवरी डे वी अलग नहीं, एट एवरी प्लेस वी अलग नहीं। मुझे 2017 में सिंध रवि ने बोर्ड ने एज एडवाइजर किया, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, एंड आई वॉज सपोज टू डेवलप एकेडमी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट जो कि शाइन कॉम्प्लेक्स के थर्ड फ्लोर पे। आप सोचे, अक्सर FBR के कमिश्नर कहते थे कि सर आप आई केमिस्ट, आप टैक्स एकेडमी बना रहे, आप टैक्स के कोर्सेज बनवाएंगे। मैंने क्या किया, मैं सेकेंड स्टेज पे आ गया, मैंने सबसे पहले टैक्स की किताबें उठाई, उसको समझना शुरू किया, फिर सिंध रेवेन्यू बोर्ड और फेडरल बोर्ड को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, फिर वर्ल्ड बैंक के लोगों ने काफी हेल्प की, कमिश्नर्स ने काफी हेल्प की, और आज आप जाइए थर्ड फ्लोर पे वो अकेडमी देखिए जहां कमिश्नर्स का कोई भी चीज मुश्किल नहीं, प्रोवाइडेड के आप अपने अंदर पिन्हा एबिलिटीज को यूज करने की कोशिश करें, जो कि आज का टॉपिक है। यस प्लीज, यस नेक्स्ट, ये वीडियो जरा आप ऑन कर सकते हैं या मैं कर दूं? ये एक मिनट जरूर देखिए, लाइट को जरा सा करेंगे आप लोग।
क्या देखा आपने उसमें? सिंक्रोनिसिटी। लाइट जरा से यार ऑन कर दीजिए ताकि सो रहा हो तो यस यस एनीवे सिंक्रोनिसिटी सिंक्रोनिसिटी सिंक्रोनाइजेशन इज ए ऑर्गेनाइजेशन यस टीम वर्क वेरी गुड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हार्मनी वेरी गुड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑल वन फॉर वन ऑब्जेक्टिव हार्ड वर्क इज प्लानिंग डन बिफोर दिस वेरी गुड देयर वाज अ हेल ऑफ प्रैक्टिस अदरवाइज इट्स नॉट ये फोर्थ स्टेज था सब नजम में और तरतीब वाह एक चीज जो मैं सुनना चाह रहा हूँ कोई अगर लेकिन उस क्लिक की बड़ी वैल्यू है हारमोनी में सर टीम वर्क में दिस इज हाउ वी लिव इन अवर होम्स हमारे यहाँ कोई इवेंट होता है शादी ब्याह कोई भी चीज आप टीम वर्क करते हैं हारमोनी होती है जहां डिसरप्शन नजर आई आपको फैमिलीज में वहां प्रॉब्लम होती है इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को उनका टास्क नहीं बताते तो फिर कभी भी हारमोनी नहीं मिलेगी आपको कभी भी टीम वर्क नहीं मिलेगा हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम की तरफ जाने लगेंगे इस 49 सेकंड की वीडियो ने आप अगर प्रोफेशनल बैठे हुए पूरी जिंदगी का एक आपको नजर आएगा 49 लेकिन इसको बनाने में और यहां तक करने में कितना टाइम लगा होगा आप उसे बेहतर समझ सकते हैं यस प्लीज नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो आवरसेल्फ वी लिव इन सोसाइटी वी हैव आवर फ्रेंड्स वी हैव आवर सोशल एनवायरमेंट Then, their home, जहां बहुत सी चीजें अप्लाई कर रहे होते हैं वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चल रहा होता है जहां हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर एक ने कहीं ना कहीं आपको इनपुट देना है देन वर्क प्लेस फ्रेंड्स नाउ हाउ इट इज पॉसिबल फॉर ए पर्सन कि वो पांच चैलेंजेस पे जाके और अपने आप को खड़ा कर सके क्या आप समझते हैं कि उसके लिए जरूरी है कि मुझे पता हो कि मैंने इस बच्चे से जब बात करनी है तो क्या करनी है मुझे एक बुजुर्ग से बात करनी है तो क्या करनी है मैंने चीफ मिनिस्टर से अगर मिलना है तो मुझे अपने आप को कहां तक प्रिपेयर करना है मुझे अगर किसी डॉक्टर से मिलना है तो मैंने अपने आप को कहां तक प्रिपेयर करना है दिस इज व्हाट द एट्रीब्यूट्स वी शुड नो जिसकी आज मैं बात कर रहा हूं आपसे हम फेलियर कहां होता है हम बड़े जोर में जाते हैं कि ये टाइटल लगा हुआ है अंदर घुसते हैं 12 ग्रेड का एक आदमी बैठा हुआ होता है वो आपको 2 मिनट में सीधा कर देता है क्यों क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि इस शख्स के साथ मुझे गुफ्तगू करनी कैसे मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और ये बिना है हमारे अंदर ये आज रियलाइज कर लें 4 दिन बात करें ये 4 साल बात करें या आपको नजर आ जाएगा जब आप बाहर निकलेंगे यस प्लीज जरूरी चीज जो मैंने आपसे शुरू में भी कही थी और मैं आज अभी भी कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी में एक ड्रीम जरूर देखें आपकी जिंदगी का एक मिशन जरूर होना चाहिए आपकी जिंदगी का एक विजन जरूर होना चाहिए जैसे हम ऑफिसों में मार्केटिंग में या इदारों में बनाते हैं अपना पूरा प्लान बनाते हैं तो व्हाई नॉट आवरसेल्फ कि मुझे कब कहां होना है इसके लिए जरूरी है वी शुड नो अवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हम शायद ये समझते हैं कि हमने ये डिग्री ले ली हमने ये गाड़ी ले ली हमने ये बंगला ले लिया हमने ये ऑफिस की पोजीशन ले ली हम बहुत कुछ ऐसा नहीं है शायद कभी कभी 12 साल का बच्चा वो सबक सिखा जाता है आपको जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता सुना भी नहीं होता और देखा भी बात सीखने की है एक डॉक्टर की क्लिनिक में नवाब शाह में बैठा हुआ
हमारी आदत होती थी कि कोई नया लिटरेचर देखा ठक से उठा लिया। अभी हाथ आगे की तरफ बढ़ा ही था, एक दूसरी कंपटीटर कंपनी का एक लिटरेचर था, उन्होंने ऐसे चश्मे देखा, कहने लगे यू कैन जस्ट सी यू कांट टच। उस वक्त तो बड़ा बुरा लगा, एक फारूकी साहब होते थे वहां नवाब शाह में, बहुत बुरा लगा मुझे कह रहे। लेकिन बाद में रियलाइज किया ये तो हमारे मजहब में है कि किसी के घर में नोक करके घुसो, वो जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते। आगे चलो सर, म्यूजिक में लगते ना। जब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, कोर वैल्यूज एथिक्स यू अडॉप्ट एंड डेमोंस्ट्रेट इन द वर्क प्लेस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, मैं बात कर रहा था कि किसी भी एक्शन के लिए आपको स्किल्स भी चाहिए और बिहेवियर भी चाहिए। एक्शन जरूरी नहीं है कि बैट बॉल खेले, किसी से गुफ्तगू करनी है, किसी से कोई काम लेना है, किसी को कोई काम देना है, या हम एक ही रवैया रखेंगे। जहां एक रवैया रखेंगे आप टैग कर दिए जाएंगे या कदम रखती हुई है। हमारी हर फैमिली में एक पप्पा एक आया पू या सालू जान ऐसे जरूर मिलेंगे जिनके बारे में लोग महफिल में कहते हैं जल्दी कर लो आना जाए बाय। ये बड़ी कॉमन चीज है। इसी तरह ऑफिस में किसी इस कमरे में नहीं आना भाई, ये अफसर ऐसा है, मुझे पता होना चाहिए कि उस अफसर से बात कैसे करनी है। अगर ये नहीं पता तो कामयाबी नहीं है। फिर आप एक रूटीन में तो चलते रहेंगे, 9 से 12 चलता रहेगा, 9 से 5 चलता रहेगा। स्पीच एटीट्यूड्स है क्या बेसिकली, अगर आप जनरली देखें, अभी आपने एक वीडियो भी देखी, टीम वर्क ऑनेस्टी रिस्पेक्ट एम्पैथी कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन डिसीजन, आपको बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देता हूं। एक बच्चा जब 6 महीने का होता है तो घर में अगर दादा दादी टोपी सब मौजूद है तो हर एक उसको एक नया नाम देता है, कोई मुन्ना कहता है, कोई पुच्छू कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसा है या नहीं, हर एक नाम ही लेता है। उसके एक्शन को देखते हुए आप उसको एक नाम दे देते हैं, जब वो 2 साल का होता है तो उसको एक डिफरेंट नाम देते हैं, फिर वो स्कूल में प्रयत्न करा जाता है। वहां जो बच्चे होते हैं वो उसके एक्ट को देख के उसका नाम दे देते हैं। फिर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं, आपके दोस्त आपको घर में भले मुन्नू मुन्नू कहते हैं आपको, वहां तो कुछ और कहते हैं, आई स्मार्टी फॉर एग्जाम्पल, यार ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चे है, यार ये चलाक आदमी है, यू नो। आपको 18 साल के बाद ये सब चीजें खत्म हो जाती है। वेन वंस यू आर इन यूनिवर्सिटी फाइनल आपका नाम यानी 50-60 एटीट्यूड आपको जिंदगी में मिल चुके हो, ऐसा है। लोग आपके रवैये से आपको पहचानते हैं, लोग आपके बिहेवियर से आपको पहचानते हैं, लोग आपके सूटेड फूटेड होने से नहीं पहचानते, लोग आपकी गुफ्तगू से पहचानते हैं और लोग आपको एक नाम दे देते हैं। यस प्लीज आगे चलिए। मैं 2009 में एक प्रोग्राम में अटेंड करने गया थाईलैंड, इंटरनेशनल बहुत लोग आए थे, इंडियन गुरुज थे जो और कुछ फिलिपिनों से जो पढ़ा रहे थे। किसी ने मुझसे पूछा, जनरली एक पूछा अभी मुस्लिम कौन है आप में से, तो हम 2 लोग थे, एक इंडोनेशिया के एक्टर, उसने कहा आपके नाम कैसे रखते हो। मैंने कहा जनरली कुरान से लेते हैं या बुजुर्ग नॉमिनेट कर देते हैं कि भाई ये नाम होगा ऐसी। उसने कहा कभी तुमने सोचा कि तुम जिस प्रोफेशन में हो वहां भी तुम्हारा एक नाम है, कभी उस नाम को समझने की कोशिश की तुमने। एंड 6 घंटे का मुख्तलिफ इन चीजों पे वर्कशॉप कराता रहा, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक स्लाइड पे दिखा, और उसने ये रियलाइज करा दिया कि आपके नाम में वो तमाम चीजें पिना है जो आप कर रहे हो, बशर्ते के यू रिकॉग्नाइज। आप देखें स्पेयर हैंड,
उसने ऐसे बताया, आप कर सकते हैं खुद भी, अपने नाम कॉमन नेम को आप इस तरह से लिख लें डाउनलोड, और हर लेटर से एक वर्ड जो उस वक्त आपके जहन में अच्छा सा आ जाए एट्रीब्यूट वो आप लिख लें, और फिर जो मेरी पिछली स्लाइड पे छह सेगमेंट आपको बताए थे, सोसाइटी, होम, वर्क, फ्रेंड्स, आप देखिएगा इसमें से कोई ना कोई जाके एक्ट करेगा, सारे नहीं करेंगे एक जगह, स्पेयर हेड, आई बिलीव दैट आई एम स्पेयर हेड, जो लोग हैं मैं उनको लेके चलता हूं, आई एम ए टीम प्लेयर, हम्बल, आई एम वेरी कोल्ड, ये मेरी शख्सियत है, एडॉप्टेबल, चेक पर बात की 52 डिग्री सेंटीग्रेड में भी मैं खड़ा हो सकता हूं और आईबीए के चिल एसी में भी बैठ सकता हूं, दिस इज एडॉप्टेबिलिटी, मुझे आप बगैर इसके कह देंगे ये काम कर लो मैं कर दूंगा, तो एज ए प्रोफेशनल एडॉप्टेबिलिटी के बगैर आप चल नहीं सकते, आपको डिफरेंट अवसर मिलते हैं, डिफरेंट मातहत मिलते हैं, डिफरेंट पोजिशन पे डिफरेंट टास्क होते हैं, तो वन शुड बी एडॉप्टेबल, कीप यू टेक पीपल हलो ईगरनेस, वो मैंने आपको अपना एक किस्सा सुना दिया कि मेरे अंदर हर चीज के लिए ईगरनेस है, आई कैन डू दैट, क्यों, मैंने अपने नाम से सीखा, उस लर्निंग से सीखा कि आपके नाम में ये चीजें मिलना है, एनर्जेटिक, मैं शायद रात 2:30 बजे सो जाऊंगा, ये नहीं कि मैंने ये प्रेजेंटेशन कभी बनाई होगी और आज आपको ला के दिखा रहा हूं, सुबह मैं 8 बजे से उठ के उसको देखता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग यहां बैठे हैं मैं उनसे क्या बात करने जा रहा हूं, ये मैंने 7 हैबिट के प्रोग्राम में सीख लिया था कि अगर आपने अपना सा शार्पन नहीं किया, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल शार्पन द सा, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, मैंने अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लिया उसकी 2nd हैबिट को, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अपनी आखिरत का पहले ख्याल करो, आगे जो रिजल्ट आने वाला है आपके एक्ट से उसका ख्याल करो, तो आप खुद ही प्रोडक्टिव हो जाए, तो ये जिंदगी में लर्निंग्स हैं, कोई अडॉप्ट करता है कोई नहीं करता है, कोई समझता है कि आम ऑल टाइम के